हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग स्वागत है एक बार फिर नए वीडियो के साथ ठीक है अभी तक हमने सेंटेंस पढ़ रहा था सेंटेंस में हमने एसर्टिव और इंट्रोगेटिव पढ़ लिया है आज पढ़ने हैं हम लोग को इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है ठीक है आइए पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है जिस वाक्य से आज्ञा अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है ध्यान दीजिए जिस वाक्य से आज्ञा मतलब कि किसी का आदेश मिलता है ठीक है आज्ञा उसके बाद होता, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है तो वह क्या होता है इम्प्रेटिव सेंटेंस कहलाता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मेन बात है आज्ञा अज्ञा मतलब कि आदेश देना किसी को आप आदेश देते हैं कि ये काम कीजिए वो काम कीजिए खाना खा लो यहां जाओ वहां जाओ ये काम करो वो काम करो पढ़ाई करो यहाँ जाओ ये मत करो ये मत करो वो मत करो खेलो ये सब जितना है ये आज्ञा है अनुरोध अनुरोध मेरे लिए एक गिलास वाटर लाइए प्लीज इस शांत रहिए शोरगुल मत करिए प्लीज आप लोग पढ़ाई कीजिए ये सब क्या हो गया आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं सलाह सलाह मतलब कि एडवाइस एक मिनट कैमरा हिल गया थोड़ा सा एडवाइस एडवाइस मतलब कि सलाह देना ठीक है तो एडवाइस कैसे होगा जैसे कि हम अपने दोस्तों को सलाह देंगे ठीक ना कि भाई ये काम गलत है इस ऐसे नहीं करना चाहिए ठीक है इस चीज़ में थोड़ा लफड़ा है ठीक है ये मत करो इससे हट के कुछ और कर लो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ठीक है तो ये सब जितना भी शब्द आएगा इसका जो भाव प्रकट होगा वो उसको क्या बोलेंगे इम्प्रेटिव सेंटेंस बोलेंगे जैसे ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसिस एन ऑर्डर अगर आप ऑर्डर देंगे रिक्वेस्ट किसी से आप रिक्वेस्ट करेंगे भावपूर्वक रिस्पेक्ट कर रिक्वेस्ट करेंगे एंड पीस ऑफ एडवाइस और शांति के लिए एडवाइस देंगे सलाह देंगे तो उसको क्या बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे जैसे आप पढ़ेंगे एग्जांपल ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर एक ग्लास पानी लाओ तो यहां पर ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर एक ग्लास पानी लाओ तो इसको क्या बोलेंगे ये क्या कर रहा है आदेश दे रहा है कि अनुरोध कर रहा है कि सलाह दे रहा है तो सबसे पहले एक गिलास पानी लाओ इससे आप क्या समझते हैं आज्ञा दे रहा है आज्ञा भी दे रहा है एक गिलास पानी लाओ इसके बाद बोल रहा है कि अनुरोध कर रहा है कि एक गिलास पानी लाओ अनुरोध नहीं कर रहा है यहां पर आज्ञा दे रहा है ठीक है आपको यहां पर आज्ञा दिया जाएगा कि एक गिलास पानी लाइए तो आप क्या करेंगे पानी आपको लाना है आपको सलाह नहीं दिया जाएगा ठीक है यहां पर इस सेंटेंस से प्लीज हेल्प मी कृपया मदद मेरी मदद करो या कीजिए तो अब देखिए यहां पर प्लीज हेल्प में अब यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है क्या किया जा रहा है अनुरोध क्यों क्योंकि प्लीज और काइंडली शब्द किसके लिए होता है तो अनुरोध के लिए होता है ठीक है अनुरोध अगर दिखाई देगा तो सोच लीजिए कि प्लीज और काइंडली लगेगा ठीक है अब आगे है नेक्स्ट है कहा गया आ, टेक मेडिसिन इन टाइम टेक मेडिसिन एन टाइम समय पर दवा लीजिए अब यहां पर आज्ञा तो नहीं दे रहा है अनुरोध भी नहीं कर रहा है क्या कर रहा है सलाह दे रहा है आपको यहां पर सलाह दिया जाएगा दिया जा रहा है कि क्या करना है तो समय पर आपको दवा मेडिसिन लेना है ठीक है तो इससे क्या पता चला कि जितने भी शब्द हैं ये क्या हो जाएंगे या तो इंपरेटिव में आज्ञा देगा नहीं तो अनुरोध करेगा नहीं तो सलाह देगा यानी तीन चीज आपको अगर कहीं दिखाई दिया आपको तीन चीज किसी सेंटेंस को पढ़ने से पता चले कि हाँ इसमें इसका भाव प्रकट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे ठीक है थोड़ा नोट पर ध्यान दीजिएगा आप लोग ठीक है कि ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यू सामान्य छिपा रहता है यानी इसमें यू लिखने की जरूरत नहीं होती है लिख भी सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं लेकिन एक तरह से यू क्या होता है कि छिपा रहता है जैसे कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर मैंने लिखा है एक ग्लास पानी लाओ तो मैं किससे बोल रहा हूं आपसे बोल रहा हूँ आपसे बोल रहा हूं ना कि मैं मतलब कि एक ग्लास पानी लाओ तो किससे बोल रहा हूं आपसे यानी आपसे बोल रहा हूं तो यहाँ पर एव क्या हुआ है आपका छुपा हुआ है हाइड है है। यहाँ पर हिडन हुआ हाइड है एव यहाँ पर हाइड हो चुका है ठीक है नेक्स्ट है कि प्लीज हेल्प मी मेरी मदद करो तो अब किससे करे भाई मेरी मदद करो किसी ना किसी से हम जाहिर कर रहे हैं ना अनुरोध कर रहे हैं ना कि किससे कर रहे हैं तो हम आपसे कर रहे हैं कि प्लीज मेरी मदद करो तो इसमें क्या हो जाएगा आप यहाँ पर छुपे हुए हो ये यह यहाँ पर छुपा हुआ है ठीक है नेक्स्ट है टेक मेडिसिन इन टाइम समय पर दवा लीजिए अब किससे कहेंगे दीवार से तो नहीं कहेंगे बोर्ड से तो नहीं कहेंगे ठीक है डस्टर से सॉरी पेन से तो नहीं कहेंगे माइक से तो नहीं कहेंगे नहीं कर सकते हैं ना तो इस किससे कहेंगे जब कहेंगे तब आप ही से कहेंगे मतलब कि मेरे अपोजिट मतलब कि मैं तो हूं जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं फर्स्ट पर्सन ठीक है तो मैं पर्सन हूं फर्स्ट पर्सन हूं और जो सुनता है जिसे मैं बोल रहा हूं क्या हुआ सेकंड पर्सन तो ये सेकंड पर्सन जो है वो हमेशा छिपा रहता है यू जो है क्या होता है हमेशा छिपा रहता है ठीक है इसके बाद बोल रहे हैं कि तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप प्रयोग प्रयुक्त तो होता है और वाक्य के अंत में क्या होता है कि कि फुल स्टॉप प्रयुक्त तो होता है मतलब यहां पर हमनेटिव में भी पढ़ा कि फुल स्टॉप होता है लेकिन इंटरोगेटिव में क्या पढ़ा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा ना क्या होगा तो इसमें फुल स्टॉप होता है समझ में आया ठीक है अब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा इसको रब करें ना रब करके अभी बता रहे हैं आपको ठीक है कोई दिक्कत एक मिनट हम ये नहीं चाहते हैं कि वीडियो मतलब कि लंबा हो जाए ठीक ना देखिए छह मिनट कुछ सेकंड का हो गया है तो ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है मान लीजिए कि थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ठीक है जय हिंद जय भारत